क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला का सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता होता है, और प्रेडिकेट की हिंदी विधेय होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट की डिफिनेशन है, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कोई भी आपका सेंटेंस है, अगर उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे राम सिंग्स ए सॉन्ग, राधा स्पीक्स इंग्लिश। जैसे पहला है राम सिंग्स ए सॉन्ग, ये जो राम है यहाँ पे करता है, क्योंकि इसी के बारे में इस वाक्य में कुछ न कुछ कहा जा रहा है। और दूसरा है राधा स्पीक्स इंग्लिश, राधा अंग्रेजी बोलती है, तो इस वाक्य में राधा के बारे में कहा जा रहा है। जैसे क्या उपरोक्त वाक्य में राम और राधा सब्जेक्ट है, ये दोनों जो वाक्य है इसमें राधा और राम सब्जेक्ट है। और दूसरा प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की हिंदी विधेय होता है, विधेय। वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कोई भी सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे उदाहरण है राम सिंह से सांग, राम एक गीत गाता है, तो उपरोक्त वाक्य में सिंग्स ए सॉन्ग प्रेडिकेट। जैसे इसमें जो राम है कहता है और ये सिंग्स ए सॉन्ग क्या है, प्रेडिकेट है, यानी कि विधेय है। कौन जाने राम सिंग्स ए सॉन्ग में सिंग्स ए सॉन्ग प्रेडिकेट है। जो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बारे में बताया उसी पे डिपेंडेंट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको जरूर से जरूर करें। जैसे डायरेक्शन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। रीड माने पढ़ो, द फॉलोइंग सेंटेंसेस माने नीचे दिए गए वाक्यों को केयरफुली माने ध्यान पूर्वक, एंड राइट देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिखो। पहला है सी क्राइड अलाउड, दूसरा है ए मैन वाज गोइंग टू हिज ऑफिस, तीसरा है डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट, चौथा है बॉयज आर यूजिंग फोन्स, पांचवा है द बस ड्राइवर जंप्ड फ्रॉम हिज सीट, छठवां है माय सीनियर वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।